नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। स्टाफ नर्स भर्ती 2023 के 85 आवेदन निरस्त। दोस्तों, अगर आपने भी स्टाफ नर्स भर्ती के 2023 के लिए आवेदन किया था तो उसमें 85 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। क्यों निरस्त किया गया है, कैसे सही होगा, आगे इस वीडियो में सारी जानकारी आपको डिटेल के साथ देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो आगे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स एलोपैथ पुरुष अबलिक महिला परीक्षा 2023 के लिए आवेदन करने वाले 85 अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया है। आयोग ने रोल नंबर के साथ आवेदन निरस्त करने का कारण वेबसाइट पर अपलोड किया है। मुख्य परीक्षा 28 जुलाई को प्रस्तावित है। इससे पहले दोस्तों, आप भी अपना आवेदन चेक कर लें कि कहीं आपका आवेदन तो निरस्त नहीं हुआ है। पुरुष वर्ग में 17 और महिला वर्ग में 68 आवेदन निरस्त हुए हैं। 14 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र संलग्न नहीं किया है, जो 10 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किया है, 15 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ तो कोई शैक्षिक अभिलेख संलग्न नहीं किया है। इसी प्रकार अन्य कमियों के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त हुए हैं। आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार, यदि निरस्तीकरण के संबंध में कोई आपत्ति है तो 21 जुलाई की शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि दोस्तों आपका भी आवेदन निरस्त हुआ है तो आप 21 जुलाई तक आयोग के कार्यालय में अपना आपत्ति पत्र उपलब्ध करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें।